हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम दोस्तों सुबह पहुंच चुके हैं, 8 बज गए हैं, पहुंचे हैं जगदीशपुर और अयोध्या राम की नगरी में भी जाएंगे और वो रह गई है 60 किलोमीटर यहाँ से। तो दोस्तों दिखाएंगे अयोध्या का बाहर का आपको, कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, हमको माल खाली करना भी है और इसलिए अंदर जाएंगे नहीं मंदिर पे, फिर जाएंगे कभी। तो चलिएगा दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं। अभी देख चाय वगैरह पिएंगे कहीं होटल पे रुक के, इसी बार निकलते हैं यहाँ से। ये सब कुछ मिलता है, पानी पानी कर दिया। न्यू संगम ढाबा चल रहे भैया, चाय वगैरह पी ली इस होटल पे। देखो कितनी देखो गाड़ियां हैं और ये है चौराहा, दोनों तरफ देख के क्रॉस करना चाहिए भैया, पता नहीं कौन कब कितने घन आ जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। पावर प्लांट है क्योंकि सामने कैमरा लगा है तो इसलिए नीचे कर, गाड़ियाँ बहुत खड़ी रहती हैं यहाँ पर। ये पावर प्लांट अपना निकल गया इधर साइड में दोस्तों, देखो यहाँ पर ये सब लोडिंग के लिए गाड़ियाँ हैं और हमें यहाँ से दिख रहा है बोर्ड जो लगा हुआ है नीला नीला, तो उस पे 101 किलोमीटर गोरखपुर लिखा हुआ है, लुम्बिनी 180 है, अयोध्या 55, मतलब अयोध्या हमें जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक कर रखा था पुलिस वालों ने, तो हमको घुमा दिया था इधर सुल्तानपुर टाडा की तरफ, अकबरपुर टाडा की तरफ हम आ गए और बस्ती 33 किलोमीटर यहाँ से रह गया। देखिएगा रोड लगा हुआ है, रोड काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। भाई देखिएगा शाम के बज चुके हैं 8 और हम लोग अब खाना बनाने जा रहे हैं और आज स्पेशल पहली बार आज बनेगा भिंडी मसाला, भिंडी प्याज कहो या भिंडी मसाला कहो, भाई साहब आज भिंडी मसाला बनेगा और हम तो भैया ऐसे ही बनाते हैं, आप भी बताइएगा कैसे बनाते हो तुम लोग। देखिएगा भिंडी मसाला, क्योंकि सब चीज़ तैयारी कर ली है, वंडी जी वो आटा छान रहे हैं वो देखिएगा। जब से भैया पुन्नागिर घूम के आए हैं हम, और आप लोगों ने ब्लॉग जो देखे हमारे पुन्नागिर वाले टूर वाले, बहुत साथ दिया उसके लिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं भैया। और शुद्ध शाकाहारी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए प्याज अपना भूंज रहा है, प्याज और मिर्चा, मसाला भी तैयार है, देखो वो गिलास में देखो रखा है आटा, ये छान रहे पंडित जी। और भिंडी ये है भिंडी, ठीक है दोस्तों जब पकती है फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम बनाने जा रहे हैं फिर से आज वही चीज़ भिंडी, भिंडी प्याज। देखिएगा भैया उस दिन थोड़ा गलत हो गया था, आज बिल्कुल सही बनेगी। ये देखो आटा वगैरह रखा है, बस आटा मारने की तैयारी है पंडित जी की और बनाएंगे, क्योंकि ऐसे चलाते रहना भैया भिंडी को तभी बन पाएंगी ये, टाइम ज़्यादा हो गया है। और कल गाड़ी खाली नहीं हुई थी, आज गाड़ी खाली हो रही है हमारी पीछे, तो भिंडी बना के बस भैया खाएंगे, भूख भी लगने वाली है। हेलो भैया, भिंडी रोटी तैयार हो गया, अपना राशन पानी सही है, बढ़िया बनी। देखो भिंडी भैया बहुत कड़ाके की बनी है और हम लोग बस खा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है खाने का।